तो हेलो यूट्यूब फैमिली, द विचर के सीजन 3 का वॉल्यूम 1 रिलीज हो गया है। सीजन 3 को कंप्लीट 2 वॉल्यूम में रिलीज किया जाएगा, जिसमें टोटल 8 एपिसोड होंगे। फिलहाल वॉल्यूम 1 5 एपिसोड्स के साथ रिलीज किया गया है और बाकी के 3 एपिसोड वॉल्यूम 2 में 27 जुलाई को रिलीज किए जाएंगे। और विचर के इस सीजन को समझने के लिए आपको इसके पिछले 2 सीजन को देखना जरूरी है। और विचर के फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटिंग चीज, इस सीजन के बाद हेनरी केवल विचर के रोल में देखने को नहीं मिलेंगे। सीजन 4 से विचर का रोल करेंगे क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लिम हेम्सवर्थ। सीजन 3 हर मामले में अपने पिछले सीजन से एक लेवल अप ही आपको मिलेगा। सीजन 3 वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 2 एंड हुआ था। गेरल्ट और येनिफर सिरी को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इस समय हर कोई सिरी को अपने फायदे के लिए हासिल करना चाहता है। सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड बहुत खास है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ही थ्रू आउट द सीजन क्या क्या होने वाला है उसकी हिंट दी गई है। और इसी एपिसोड में एक अच्छा सा फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, और इसी वजह से सीजन का फर्स्ट एपिसोड 5 एपिसोड्स में से सबसे लंबा है। स्टोरी बिल्डअप होना शुरू होती है एपिसोड नंबर 2 से, और जैसा कि हम सभी को पता है कि ये सीजन हेनरी केवल का लास्ट सीजन होने वाला है। सीजन में लग ही नहीं रहा कि हेनरी केवल विचर का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रियल में विचर हैं। पिछले सीजन से इस सीजन की सिनेमेटोग्राफी और VFX काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। ये सीजन विचर के किसी भी फैन के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। बात करें इस सीजन की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDB ने इसे अभी के लिए 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और अभी के लिए बस इतना ही, फाइनल वर्डिक्ट लेकर आएंगे इस सीजन के कंप्लीट रिलीज होने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।